हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम शो में वीके सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द जोरावर क्लासेस में। तो बच्चों लोग, अभी आपने देखा होगा इसी हफ्ते सैटरडे और संडे को आपके प्रोफेसर ने आके आपको लाइव आके बताया कि किस तरह से आने वाले हमारा जो शेड्यूल रहेगा, जो प्लानिंग रहेगा, ठीक है, आने वाले चैनल पे किस तरह से आपको वीडियोज मिलेंगी, वो सभी डिस्कस किए हैं। और केवीएस के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बताया है। तो बेटा, बस ये है कि अब फिर से एक बार हम गाड़ी में एक्सलेट करते हैं और अपनी जो गाड़ी है उसको हम सही दिशा में लेकर चलते हैं, ठीक है। बीच में थोड़े से उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, वो एक हिस्सा होता है लाइफ का, ठीक है। तो उसको दरकिनार करते हुए अपने सिर्फ पढ़ाई पर हम फोकस करेंगे आने वाले दिनों में। और जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले 10 जरूर क्लासेस के ही बच्चे आपको दिखाई देंगे। जो लिस्ट जब आएगी ना, तब आपको एक एक नाम बताया जाएगा कि देखिए ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ये सभी जो बच्चे थे ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, पिछले लगभग 1 साल से हम जुड़े हुए हैं। बच्चे, अगर आपको बात जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बता देंगे कि हमको लगभग 1 साल हो गया है रेगुलर वीडियोस के साथ, माध्यम के साथ आपके साथ जुड़े रहने का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, हमारे मिक्स क्वेश्चन। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने जी। जो आज के हमारे जो प्रश्न रहेंगे, मैं आपको पिछले जो कुछ पेपर्स मैंने देखे थे, जो पिछले 1 से 2 महीने पेपर्स हुए हैं, तो उनमें कुछ मैंने जो हिंदी वाला पोर्शन है उनमें कुछ पेपर्स देखे और उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन छाटे जिनको आप, हो सकता है कि वो शायद आने वाले टाइम में रिपीट भी होते, क्योंकि कंपटीशन पेपर में जो ज्यादातर पेपर होते हैं, ठीक है, ऐसा पाया जाता है कि लगभग उनके जो क्वेश्चंस हैं या ऑप्शंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं। कहीं पर बता देगा इनमें से कोई एक नहीं है, कहीं बता देगा ऑल ऑफ दीज। तो कुल मिला के वो टॉपिक थोड़ा सा पकड़ लेते हैं तो शायद आसानी होती है उनके प्रश्नों को हल करने में भी। देखिए, ये जैसे ये प्रश्न आया था अभी लेटेस्ट ही बीएड की परीक्षा में, ठीक है। कह रहा है रामचरित मानस को गोस्वामी जी ने, ठीक है, तुलसीदास गोस्वामी जी की बात की गई है, ने खालिस्तान है कांडों में विभक्त किया। तो देखा होगा आपने जो रामचरित मानस लिखी गई है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। तो कह रहे कि उन्होंने कितने कांड, मतलब उनके कितने कांडों में उन्होंने वो खत्म किया, वो विभक्त किया रामचरित, क्योंकि बहुत रामचरित मानस जो तो आपको पता है, आपको अगर मैं बताऊं तो वो एक महाकाव्य है। तो कह रहे कि उन्होंने कितने उन्होंने कांडों में या उनके विभिन्न जो डिविजन थे कितने प्रकार के थे, 7, 6, 8, 1। थोड़ा डीप क्वेश्चन आ गया है हिंदी से ही, लिटरेचर का थोड़ा डीप क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे, हो सकता है हमारे कुछ बच्चे आंसर दे पाए। तो अगर क्योंकि जिन्होंने रामचरित मानस को थोड़ा सा अगर कहीं पढ़ा है या सुना है या देखा है किताब के माध्यम से, तो वो होते हैं 7 प्रकार के ये कांड होते हैं। कौन कौन से कांड होते हैं लिख लीजिए आप इनको, हो सकता है रिपीट हो जाए। बाल कांड नंबर 1, नंबर 2 हो गया आपका अयोध्या कांड, नंबर 3 हो गया आपका अरण्य कांड, नंबर 4 हो गया आपका किष्किंधा कांड, ठीक है, नंबर 5 हो गया आपका सुंदर कांड, नंबर 6 हो गया आपका कलंका कांड, नंबर 7 हो गया आपका उत्तर उत्तरकांड, ठीक है। बालकांड आपको पता ही है कि जो कि राम जी के जन्म से संबंधित है, वो सभी आपके बालकांड में आते हैं। अयोध्या में पता ही, जब वो बड़े हो गए तो अयोध्या में आ गए, उसके बाद उनका 14 साल के लिए आपका वनवास हो गया। अरण्य, अरण्य मतलब वन होता है। किष्किंधा मतलब, किष्किंधा जो नरेश थे आपको पता ही है, बाली सुग्रीव, ये उनसे मुलाकात का कांड है। सुंदरकांड आपको पता है, हनुमान जी संबंधित जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हुई। लंका आपको पता ही है, लंका कांड मतलब जो भी युद्ध हुआ, ठीक है, श्री राम और रावण के बीच। और उत्तर कांड में आपके जितने भी ये जो आपके जब सब चीजें खत्म हो गई थी उसके बाद जो बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है, लव कुश का, उसके बाद की कहानी, और वहीं पे रामचरितमानस जो है वो समाप्त हो जाती है। और वो लास्ट में जो सरयू नदी है उसमें वो अपना अपने स्वयं को वो जल जल क्या बोलते हैं, जल समाधि ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन आया, क्योंकि साथ में फिर मुझे डिटेल बताने, मुझे अच्छा आपको बता लगा कि चलो इन सबको आपको बता ही देता हूँ कि कौन कौन से
कांड होते हैं, सात प्रकार के ये कांड होते हैं। इसमें आने वाले टाइम में मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे प्रश्न और बन सकता है। कह देगा कि जो भारत से बाहर, भारत से बाहर कौन सा एक कांड है, तो वो आपका लंका वाला, ठीक है। और आपका इसमें आएगा कि क्या आएगा, सबसे बड़ा निम्नलिखित में सबसे बड़ा कांड कौन सा है रामचरितमानस का, तो वो है आपका बाल कांड। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है आपका किष्किंधा का, ठीक है। और हनुमान जी से संबंधित कौन सा है, सुंदरकांड। इसलिए आपको पता होगा कि सुंदरकांड का पाठ कराया जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे, एक दो प्रश्न आए थे उनको लेते हैं। प्रश्न नंबर दो, रामचरितमानस खालिस्तान शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया? ये हो गया आपका 15वीं, ये हो गया आपका 14वीं, ये हो गया आपका 6वीं, और ये हो गया आपका 5वीं, ठीक। तो कौन सी शताब्दी में लिखी गई है रामचरितमानस? जी, रामचरितमानस जो लिखी गई है, जी बच्चे थोड़ा सा उत्तर देने में असमर्थ हो रहे हैं, ठीक है। सही आंसर क्या है? आंसर नंबर ए, 15वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई है आपकी रामचरितमानस, ठीक है। 15वीं शताब्दी थोड़ा सोच लीजिए, जैसे कि अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो ये 15वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी। और आपको पता ही होगा कौन सी भाषा में लिखी गई है, कमेंट करके बताइए। जी देखिए, ये भी एक प्रश्न आया था, कह तुलसीदास सम्राट डैश के समकालीन थे। जी, यानी कि जो यहाँ पे बात करने के, जो तुलसीदास थे वो किसके समकालीन थे, ठीक है। यानी कि उनका आस उनके जब जो वो उन्होंने लिखी है, ठीक है, रामचरितमानस, तो उनके साथ में और कौन से सम्राट थे, सम्राट मतलब राजा थे, ठीक है, कौन से थे बताइए। हुमायूं, हुमायूं की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, बट मैं आपको बताता हूँ, ये हुमायूं, अकबर, बाबर और शेरशाह सूरी। जी तो तुलसीदास के जो समकालीन जो सम्राट थे वो थे आपके अकबर, ठीक है। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर चार, प्रश्न नंबर चार कह रहे हैं कि रामचरितमानस किस भाषा, देखो अभी पूछा तो मैंने वही आ गया कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखे गए, ब्रज, भोजपुरी, अवधी या मागधी। ब्रज आपको पता है कि यूपी के आसपास बोली जाती है, ब्रज, ठीक है, ब्रज मथुरा, ये आपका वृंदावन वगैरह। भोजपुरी आपको बेसिकली बिहार वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी भी आपकी यूपी वाले बोली जाती है, खासतौर से जो अयोध्या वाला जो हिस्सा है, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, तो अवधी क्या है, हमारी अयोध्या के आसपास बोली जाने वाली भाषा। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर पांच पे चलते हैं। प्रश्न नंबर पांच क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहे कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है, स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है या संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर तो है ही नहीं, क्लियर, क्योंकि संयुक्ताक्षर तो चार तरह के होते हैं, क्षत्रिय वाला क्ष, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञ वाला ज्ञानी और श्र। स्वर और व्यंजन आपको पता है, आ से लेके ये और ये खत्म हो जाते हैं। हाँ एक सेकेंड, हाँ, आई से ये खत्म हो जाते हैं आपके ऋषि पे। व्यंजन आपको पता है, ठीक है, का का खा, आपको बताता हूँ भी, क च ट त प, ये सभी हमारे व्यंजन में आते हैं, ये वर्ग है सारे। अब तीसरा बचा हमारा अयोगवा, अयोगवा ही एक इसका आंसर सही हो जाएगा, ये अयोगवा ही कहलाते हैं दोनों के दोनों, ठीक। एजिटिस प्रश्न पूछा था, ठीक है, तो इसको ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर छह में चलते हैं, कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताती है, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, सृष्टि की पूछी है, तो सृष्टि किसकी है, ये देखिए, ये हो जाएगा आपका श्र, 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 ये हो जाएगा श्र, ये तो बोल ही नहीं पाएंगे, और ये हो जाएगा श्री, और ये तो गलत है, तो इसमें सही क्या हो जाएगी स्पेलिंग, श्री, सृष्टि, श्री, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, नाम होता है बच्चे का सृष्टि, और जो सृष्टि के रचनाकार है कौन माने जाते हैं, सृष्टि के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ब्रह्मा जी, ठीक है। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, एकमात्र मंदिर, ठीक है, पूरे भारत में, तो
केवल एक मंदिर, वो भी कहाँ है? अजमेर, पुष्कर, राजस्थान। ठीक है, पुष्कर मंदिर है, पुष्कर जगह का नाम है और मंदिर भी वही है, ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है, पुष्कर, राजस्थान। ऐसी चीजों को जोड़ के याद रखेंगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। अगला पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 पे, 7 नंबर। कह रहा है साखी, साखी का मूल तत्सम, तत्सम शब्द क्या है? आपको पता होगा जो तत्सम शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द वे होते हैं जिनको संस्कृत भाषा से एज इट इज, अपनी जो हिंदी भाषा या कोई अन्य भाषा है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं तत्सम। क्लियर, एज इट इज। तो बताइए क्या होगा साक्षी का, यानी कि साक्षी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी, सिका यानी कि शिक्षा, साक्षी, सखी या कोई नहीं, फिर में से कोई एक होगा। ठीक है, नया प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न नंबर 7। जी उत्तर दीजिए। साखी का जो मूल तत्सम शब्द है या रूप है साखी का, वो क्या है आपका? साक्षी। ठीक है, याद रखें साक्षी। ठीक है, साखी आपने कोई गाना वाना भी सुना होगा ना, वो साखी साखी रे, साखी साखी रे। ठीक है, एक तरह से मतलब क्या हो गया, विटनेस हो गया। विटनेस मतलब जो आपके सामने उस चीज को करने वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। चपला का समानार्थी क्या होगा? चपला बताना, चपला क्या होगा? ज्वाला, मलवा, कंजूस मतलब जो पैसे खर्च ना करे, भामिनी और दामिनी। जी बताइए जल्दी से, भामिनी और दामिनी। जी सही उत्तर क्या हो जाएगा? भामिनी का मुझे अभी इसका याद नहीं आ रहा है शब्द। ठीक है, गलत नहीं बोलूंगा इसलिए याद नहीं आ रहा है, किसी को पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हाँ जी, तो चपला का जो, चपला तो मुझे पता ही है चपला क्या है। ठीक है, चपला तो सीधा सीधा आपका क्या है, दामिनी बोलते हैं, दामिनी मतलब बिजली। ठीक है, एक और शब्द बताता हूँ आपको, तड़ित। ठीक है, दामिनी तड़ित। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है शाश्वत का अर्थ क्या है? शाश्वत, जी बताइए शाश्वत का अर्थ क्या होगा? आंशिक, साकार और चिरंतन और लौकिक। ठीक है, शाश्वत जैसे शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा क्या होती है? आत्मा शाश्वत होती है। ठीक है, यानी कि मतलब वो चीजें लंबे समय तक रहने वाली, अमर होने वाली। ठीक है, तो इन सब चीजों में उसका सही अर्थ क्या निकल रहा होगा? आंशिक आपको पता ही है, आंशिक का मतलब क्या हुआ? थोड़ा, पार्शली। साकार मतलब जो कि हो सके काम। चिरंतन, चिरंतन ही आपको मैं आपको बताता हूँ कि जो कि आपने सुना होगा ना, कि जैसे जब कोई आशीर्वाद लेता है कोई लड़का, ठीक है, कोई व्यक्ति से जब आशीर्वाद लेते हैं वो कहते हैं चिरंजीवी भाव। और आप जो शादी के घर में कार्ड भी होंगे तो उसमें ऐसे करके लिखा रहता है चिरंजीवी, या पूरा भी लिखा रहता है चिरंजीवी। क्लियर, तो उसका मतलब ये होता है लॉन्ग लाइफ। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? चिरंतन, शाश्वत। प्रश्न नंबर 10 पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि आरोह का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न नंबर 10 का विलोम शब्द क्या होगा? आरोह का अवरोह या आवरोह, क्रमानुसार या लगातार? जी बताइए। अब आरओ आवरो में आपने बचपन में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे आपने? आपने असेंडिंग नंबर पढ़े होंगे और एक डिसेंडिंग नंबर पढ़े होंगे। ठीक है, दो तरह से पढ़े होंगे। असेंडिंग क्या हो गया? असेंडिंग हो गया आपका आरओ। अब बात करते हैं डिसेंडिंग की। डिसेंडिंग क्या हो गया? आवरो या आवरो, दो शब्द यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और दोनों थोड़े से कंफ्यूज रखने के लिए रखा है, बट जो सही आंसर है हम उसको लेके आगे बढ़ के चलते हैं। आंसर नंबर ए, आवरो होता है, यहाँ पे आ होता है और यहाँ पे आ होता है, कंफ्यूज करने के लिए, वो नीचे उसको मैच करने के लिए ऐसा बनाया गया है और ऐसे ऑप्शन में भी आता है आपको। प्रश्न नंबर 11 कर लेते हैं। कह रहा है परिकर का अनेकार्थी नहीं है। परिकर का क्या नहीं है बताइए? जी बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 11, परिकर का अनेकार्थी नहीं है तो क्या नहीं है? कमरबंद, परिवार, समूह या क्षत्रिय? जी मैं आपको बताता हूँ, परिकर का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे आपने परिक्रमा, जब आप कोई चीज देखते हैं ना, मैं बोल रहा, जैसे आपने किसी चीज की परिक्रमा लगाई, या तो परिक्रमा आप लगाएंगे ऐसे, आप ऐसे वाली शेप में लगाएंगे या तो गोल लगाएंगे। ठीक है,
तो जैसे कोई पेड़ है, पेड़ के लगा रहे हैं परिक्रमा, क्लियर। तो क्या करते हैं, परिक्रमा लगा के आप उसको बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ से शुरू किया, खत्म किया, यहाँ से शुरू किया, फिर यहीं पे आके खत्म किया, क्लियर। तो ये होती है परिक्रमा, किसी भी चीज को आप चारों तरफ से उसमें घूमना। तो परिक्रमा देखेंगे उसका, देखे परिकर भी मतलब वही अर्थ निकलता है। कमर बंद, कमर को चारों तरफ से बंद कर लेंगे, है ना, कोई भी चीज लगा लेंगे, बेल्ट भी हो गई, वो भी कमर बंद होती है आपकी तरह से। परिवार, परिवार में मतलब जो अलग 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 समूह होते हैं, क्लियर, वो सब मिलकर परिवार बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सबका अलग अलग रोल है। समूह, समूह भी कई चीजों का योग है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा एकमात्र क्षत्रिय, यही इसका आंसर है। क्षत्रिय का परिकर से कोई मतलब नहीं, क्लियर। और एक वो परिकर होता है, ठीक है, मनोहर परिकर, जैसे हमारे भारत सरकार में मंत्री रहे मनोहर परिकर, और वो गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनका अलग है, वो अलग शब्द है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाते हैं। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं यदा कदा क्या होता है। जब तब, कब तब, जब कब, कब जब, जी बताइए। समय ले लीजिए, पर सही आंसर देना है इसका, प्रश्न नंबर 12 का, यदा कदा, जी, जब तब, कब तब, जब कब और कब जब। कब जब तो होता ही नहीं है, ठीक है जी। अब बचा जब कब, कब तब, कब तब भी नहीं होगा, दो बच्चे, जब तब और जब कब, ठीक है, बताइए जल्दी से। यदा कदा का सही युग्म का उसका अर्थ क्या निकल कर आएगा। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जी, यदा माने हो जाएगा जब, और कदा माने हो जाएगा कब। तो याद रखना, आपको अगर कंफ्यूजन भी हो तो यदा, यदा तो याद रहेगा आपको, पर का से कदा और का से कब, ऐसे इसको जोड़ कर रखना, फिर आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि पीछे ही गड़बड़ करता है, आगे तो देखिए मिस्टेक नहीं होगी, जैसे ए देखिए और सी देखिए, पर पीछे मिस्टेक कर देता है ऐसे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। स्वार्थी, स्वार्थी, स्पेलिंग अलग अलग दी है, मतलबी, परमार्थी या स्वार्थी, जी। तो यहाँ पे जो अपना मतलब जो साधता है, सीधा सा अर्थ में मतलब है, जब बात इतना है अपना मतलब साधना, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलबी बोलेंगे, ठीक, क्लियर। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अच्छा, शुद्ध वर्तनी बतानी है कि कौन सी वाली शब्द जो है वो शुद्ध वर्तनी है। वाल्मीकि, स्पेलिंग तो लगभग सेम है, बट प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, जैसे वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि और वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि, वाल्मीकि। तो अब सही अर्थ बताना, सही शब्द बताना है कि इन चारों में से सही शब्द होगा कौन सा। जी, सही शब्द हो जाएगा शुद्ध वर्तनी के हिसाब से अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे वाल्मीकि, ये वाला, क्लियर। याद रखना, ये बहुत पेपर में आता है, बार बार रिपीट होता है ये शब्द, ठीक है, वाल्मीकि, मिकी, मीकी नहीं, क्लियर, ये वाला मीकी नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, मिकी, मिकी माउस वाला पता है ना आपको, मिकी, मिकी, क्लियर। ये हो सकता है आपको ये इस तरह से साउंड वाली आ जाए, पर ये नहीं होगा, मिकी याद रखें, मिकी, है ना। तो ऐसे ऐसे आप थोड़ा ट्रिक याद रखें शब्दों को बनाने का, और डेली के कम से कम 10 से 12 शब्द आप लिखने की कोशिश करें, क्योंकि तो उनको आपको शुद्ध लिखना है, बोलने की जरूरत नहीं है ना, पेपर में बोलने की जरूरत नहीं है, बट आपको बस लिखना शुद्ध तरीके से है, और बोलने के लिए चाहे तो आप उनको अपनी भाषा में डेली इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करें। आ जाते हैं, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएंगे, पशु, पक्षी आदि। भाववाचक की बात कर रहे हैं, आपको पता है जो भाववाचक संज्ञा वो होती है जो कि आपको आंखों से दिखाई नहीं देती, सिर्फ आप उसको महसूस करते हैं, ठीक है ना, आप उसको महसूस करते हैं। पशु पक्षी आएंगे क्या, नहीं आएंगे, गलत हो गया। गुण दोष, दिशाएं, दिशाएं, आभूषण, आभूषण आएंगे क्या, नहीं आएंगे, दो में कंफ्यूजन हो गई, किसमें, दिशाएं और गुण दोष। अब देखिए यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि सर दिशा भी तो नहीं दिखती है, चारों तरफ छत पे खड़े हो, कहेंगे ये उत्तर पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा, तो देखिए जो दिशा का जो सही निर्धारण होता है, हमेशा हमेशा याद रखना, उसकी अगर आप पहचान भी कैसे कर सकते हो, केवल और केवल सूर्य से पहचान कर सकते हो,
तो सूर्य की आप दिशा को अगर आपको पता है तभी आप उसको सही दिशा में आप वो बता सकते हैं। यानी हमने किस चीज से पता लगाया, सूर्य से, तो इसलिए हमारा ये आंसर यहाँ पे भाववाचक नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि जो दिशा होती है पर्टिकुलर नाम होता है। तो यहाँ पे आते हैं बात किसकी, गुण दोष की। गुण दोष नहीं दिखाई देता। हमने बोला कि जैसे राहुल बहुत अच्छा बच्चा है। अब राहुल जो अच्छा बच्चा है, अच्छा कोई चीज ऐसी नहीं है ना जो कि दिख रही हो, ठीक है ना। जैसे हमने बोला राहुल ने नीली कमीज पहनी है, तो आपको पता है कि जो नीली है वो भी दिख रही है, कमीज है वो भी दिख रही है, और राहुल भी दिख रहा है, क्लियर। और तो गुण दोष ऐसे नहीं दिखाई देते, और दोष तो बिल्कुल दिखाई देते हैं। आपको अगर मैं बताऊं कि हम लोगों में दोष के अगर ढूंढने लगे, तो हम लोगों को चेहरे से, भाव से हम उनके दोषों का पता नहीं लगा सकते। किसी भी व्यक्ति के गुण दोष का पता तभी लगाया जाता है जब उनके साथ आप रहते हैं, आप उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, और एक समय के आने के बाद आप उनको पहचान लेते हैं। यदि व्यक्ति की पहचान आपके अंदर है, तो आप उनके गुण दोष को सही मायने में पहचान लेते हैं। बट अक्सर होता ये है कि हम जल्दीबाजी में रिश्ते बना लेते हैं, और उसके बाद हमें थोड़े दिन बाद एहसास होता है कि शायद हमसे कहीं ना कहीं भूल हो गई है, और हमारे रिश्तों में वो पहले वाली बात नहीं रही। तो वो एक सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने सही समय पर व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाई, ठीक है ना। आपने केवल मतलब उस समय को ही पहचाना, और ये नहीं देखा कि उस व्यक्ति के अंदर गुण और दोष की मतलब कितने प्रकार का उसके अंदर है, ठीक है। तो वो सब चीजें देखने पड़ते हैं बेटा। ये जीवन बहुत लंबा है, और अगर गलत रीजन लेते हैं तो ये जीवन कटना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है ना, वो अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा, जैसे कि आप अपने पढ़ाई के लिए बिल्कुल एकदम अलर्ट रहते हैं, ऐसे अपने जीवन साथी को भी बहुत अच्छे से चुने, ठीक है। क्योंकि जीवन साथी अच्छा चुनना बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज रहेगी जिंदगी भर के लिए। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाते हैं। बोलेंगे कि त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी मैंने आपको पहले जब समास पढ़ाया तो आपको बताया था कि जब भी जो ये प्रथम पद होगा, ठीक है, प्रथम पद क्या है इसमें, देखिए त्रि प्लस वेणी, क्लियर। तो त्रि त्रि यहाँ पर क्या है, देखिए आपने एक दो तीन चार, इनको आप संस्कृत में भी याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्रि है वो इससे संबंधित समझिए, किससे, एक सेकंड, तृतीया, ठीक है, चतुर्थी, पंचम, द्वि, एक है, षष्ठ है, सप्तमी, अष्टमी, ठीक है। जैसे कृष्ण जी का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, अष्टमी पे हुआ, क्लियर। तो क्लियर, तो ये शब्द क्या है हमारे, ये सभी जो समास का जो विग्रह करते हैं, तो क्या हमारा नंबर है, और जो नंबर आता है तो क्या कहलाता है, वो द्विगु समास कहलाता है। प्रथम पद होगा यदि किसी शब्द का, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा, क्लियर। प्रश्न नंबर 17 आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जहाज, जलियान, जमीन और जुलूस। देखिए, जहाज पानी में चल रहा है, पानी में डूब गया, क्या ऐसे शब्द आ रहा है, पुल्लिंग आ रहा है। जलियान, जलियान पानी में उतर गया, क्या सब फीलिंग आई, पुल्लिंग। जमीन, जमीन खराब हो गई, जमीन टूट गई, जमीन बिक गई, तो क्या शब्द निकल कर आया, स्त्रीलिंग। जुलूस, जुलूस उमड़ रहा है, जुलूस बढ़ रहा है, जुलूस कुछ भी समझ लीजिए, क्या फीलिंग आ रही है आपकी, पुल्लिंग। तो एकमात्र कौन सा शब्द है आपका, जमीन। प्रश्न नंबर 18 पर जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, सही वाक्य का चयन कीजिए। सही वाक्य का चयन करना है आपको, देखते हैं कि कहाँ पे हमारे जो चिन्ह लगाए हैं विराम चिन्ह, उनका सही पे कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। विराम चिन्ह का प्रश्न का है ये, विराम चिन्ह टॉपिक का। नहीं यह मुझसे ना होगा, नहीं यह मुझसे ना होगा, नहीं नहीं में यह मुझसे ना होगा, ये कैसे होगा, ठीक, गलत। नहीं यह मुझसे ना होगा, यहाँ पे कोई विराम चिन्ह नहीं दिया था, ये भी गलत। तो दो बच्चे कौन कौन से, ए और बी, एक बार देख लेते हैं। देखेंगे जब भी हमको नहीं हाँ लगाते हैं तो वहां पर अल्प विराम जरूर लगाते हैं, और यहाँ पे इस वाले में यहाँ ठीक लगाया है और यहाँ पे इसके बाद लगाया, तो ये गलत है, ठीक है। अल्प विराम जो भी होता है ना, जैसे हाँ हम आ रहे हैं, नहीं
वहीं खड़े रहो। क्लियर। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर क्या जाएगा? ए। आगे जाते हैं प्रश्न नंबर 19, कह रहा है हेतु हेतु मद्भूत का उदाहरण बताइए। तो प्रश्न नंबर 19 का क्या है देखिए, हाँ, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, शाम ने खाना खाया, घोड़े के चार पैर और दो कान होते हैं। जी, हेतु हेतु क्या मद्भूत, हेतु मद्भूत जो होता है, मैं आपको बताऊं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ये हेतु हेतु मद्भूत का उदाहरण होता है, ठीक है। तो क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 में आ जाते हैं, करण निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम बताना है के संबंधवाची रूप। जी बताइए, आप स्वयं अपना सभी गलत, तो सभी गलत देखते हैं एक बार, निजवाचक निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची। जी तो देखिए यहाँ पर जो है ये निजवाचक, ये भी निजवाचक है, ये भी निजवाचक है और ये भी निजवाचक है, पर यहाँ पे हमने कहा निजवाचक के भी संबंधवाची। जैसे मैं बोलूँ आप अपना काम कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए, तो यहाँ पर जो पहला शब्द हो गया आप, वो हो गया आपका निजवाचक, पर निजवाचक के संबंधवाची क्या आ गया, अपना। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया हमारा, इसका सही उत्तर क्या जाएगा, आंसर नंबर सी। क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि अभी लेटेस्ट ही कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत सारी परीक्षाएं होती रहती हैं संडे सैटरडे को, तो मेरा ही रहता है कि जनरली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको तो मैं नहीं कराता हूँ, जो कुछ ऐसे नए प्रश्न हैं जिन पे मतलब मुझे लगा कि इन पे तो थोड़ी चर्चा हो जाए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाए, ताकि बच्चों को कुछ नई चीजें भी पता लगती रहे। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा ये चले यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है ना। जो भी आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, कि प्लीज उनको फोकस बनाइए, नोट्स बनाइए सुंदर सुंदर अपने नोट्स। लगभग एक साल में तो मुझे लग रहा है कि आपके 2-3 रजिस्टर तो भर ही गए होंगे। क्लियर। अगर नहीं भरे तो आप तैयारी में बहुत पीछे हैं हमसे, जो कि आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। और इसकी जो वीडियोज आपको मैं बताता हूँ कि जो भी हमने अभी टॉपिक कराए हैं या क्वेश्चंस के माध्यम से, उनकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। 10 क्लासेस की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से और एंड्रॉइड वाले अपने प्ले स्टोर से, ठीक है, वहां से जा सकते हैं। वहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक मिलेगा, हिंदी इंग्लिश मैथ ईवीएस रीजनिंग वगैरह कंप्यूटर का सब। क्लियर। आप वहां से अपना कोर्स को पढ़ सकते हैं। क्लियर। और ज्यादा चीजों के लिए आपको जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक से, वहां पर हमारे सेशंस चल रहे हैं अलग 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 अलग, आप उनको भी ज्वाइन करके अपने जो डाउट्स हैं वो डाउट सेशन में दे सकते हैं। चलिए फिर से आपको अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना अपने घर वालों को ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।